आज मैं आपके लिए रही हूँ किनोआ से बहुत ही बढ़िया कुरकुरे डोसे बनाने की रेसिपी। और ये बहुत ही बढ़िया हेल्दी डोसा बनके तैयार होगा, क्योंकि किनोआ बहुत ही लाभदायक होता है हमारे शरीर के लिए। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। फाइबर, प्रोटीन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरपूर मात्रा में होता है। ग्लूटेन फ्री होता है। आज के समय में हमें प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर आहार जरूर लेना चाहिए। तो इससे बहुत ही बढ़िया कुरकुरा डोसा हम बना के तैयार करेंगे। तो करते हैं शुरू। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेहत पसंद रेसिपीज में। डोसा बनाने के लिए हमें चाहिएगा किनोवा, और ये आप सुपरमार्केट से या फिर ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये सफेद वाला किनोवा यहाँ पर मैंने लिया है। ये हमें चाहिएगा 1 कप। और अब हम लेंगे आधा कप चावल, चावल आप कोई भी ले सकते हैं। फिर हम लेंगे आधा कप उड़द दाल, और 2 टेबल स्पून 2 बड़े चम्मच हमें चने की दाल लगेगी, और 1 छोटी चम्मच मेथी दाना। अब इसे हम 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेते हैं, और फिर हमें इसमें 2 गिलास पानी डालकर इसे हमें भिगोना है 4 से 5 घंटे के लिए। तो इसे भी हम रख देते हैं। 5 घंटे हो चुके हैं, और अब इसे हम मिक्सर में पीसेंगे। तो पानी इसमें नहीं आने देना है। इस तरीके से आप मिक्सर पॉट में डालें, और इसे आप 2 बेच में या 3 बेच में जैसा भी आपका पॉट हो उस साइज के अकॉर्डिंग आप थोड़ा थोड़ा करके इसे पीस लें। अगर ज़रूरत लगे तो आपको 1 से 2 चम्मच पानी आपको इसमें डालना है। तो ये देखिए, इसे मैंने बिल्कुल अच्छा पीस लिया है। इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छा आपको फाइन इसका पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा ये दानेदार होता है, क्योंकि इसमें हमने चावल का जो यूज़ किया है वो हल्का सा वो दाने इसमें रहते हैं। दूसरा बेज भी मैं पीस लेती हूँ, और इसे भी बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ आप दूसरी बार वाला देख रहे होंगे, हल्का सा ये थोड़ा सा लिक्विड ही है, इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम इसे मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर इसमें पानी की मात्रा होगी। तो बिल्कुल आप जब भी पीसें ना, तो 1 से 2 चम्मच पानी डालें, फिर आपको ज़रूरत लगे तो फिर वो डालें। बस अभी से हमें ढक कर रख देना है 8 से 10 घंटे के लिए, फर्मेंट होने के लिए, यानी कि इसमें खमीर उठ जाए उसके लिए। तो आप किसी गर्म जगह पे रखें इसे, तो इसे भी हम रख देते हैं। 8 घंटे हुए हैं, और ये देखिए कितना अच्छा ये फर्मेंट हो चुका है, बिल्कुल फूल गया है। अच्छा, इसमें खमीर आ चुका है। गर्मी के दिन है इसलिए जल्दी हो गया है, ठंड में ये ज़्यादा भी टाइम ले सकता है। अब इसमें हम नमक डालेंगे 1 छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार, और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी जब भी आप मिक्स करें हमेशा 1-2 चम्मच डालें, उसके बाद ही आप मिलाएं और देखें कि हाँ, अगर ज़रूरत हो तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। तो यहाँ पर ये भी बहुत गाढ़ा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा मैं और डालूंगी, फिर अच्छे से मिलाऊंगी। इसे कंसिस्टेंसी देखिए, जब मैं घिरा रही हूँ ब्रेक होके गिरा है, मतलब कि थोड़ा सा ही गाढ़ा है। और फिर जब मैंने पानी और डाल के मिलाया, तो अब देखिए जब इसको मैं ऊपर से घिरा रही हूँ तो बिल्कुल एक जैसे धार में गिर रहा है, पर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है हमें। ये कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए होगी हमें। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें चाहिएगा नॉन स्टिक तवा या फिर आयरन का तवा। इसे आप गर्म करने के लिए रख दें, और इस पर तेल लगा लें। तेल लगा लेना है, पहली बार जब भी आप डोसा बनाए, पहला डोसा, उससे पहले आपको तवे पे तेल लगा लेना, नहीं तो वो चिपक जाएगा। अब देखिए, तवा अगर अच्छे से गर्म हो गया है, तब इसे पानी छिड़क के आपको देखना है। ये देखिए, पानी छिटकने पे पानी बिल्कुल जल्दी जल्दी सूख रहा है, यानी कि तवा अच्छा गर्म हो चुका है। पानी डालने के बाद वो हल्का सा ठंडा होगा। अब फटाफट कपड़े से पोंछ लेंगे हम, और बैटर को डालेंगे। जितना बड़ा आपको बनाना है उस हिसाब से आप बैटर डालें, और फिर चम्मच से आपको क्या करना है, बीच बीच में आपको घुमाना है। धीरे धीरे आपको बीच में आप घुमाएंगे, बीच बीच में आपको धीरे धीरे घुमाते हुए बाहर की साइड चम्मच को ले जाते हुए जाना है, गोल गोल। और बिल्कुल इस तरीके से आपको शेप बनाना है। मैं बिल्कुल, क्योंकि बिना इस वीडियो को एडिट करके बिल्कुल स्लो स्पीड में आपको मैं बता रही हूँ, जिससे आपको समझ में आए किस तरीके से डोसे को बनाया जाता है। इस तरीके से आप ये करेंगे तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो हमने बैटर डाला था, तब उसकी आंच को हमने धीमा कर दिया था, और जैसे बैटर अच्छे से फैला लें आप, उसको बढ़ा के मीडियम कर लें। और अब जब ये बैटर ऊपर से सूख जाए, तब इस पे तेल लगा लेना है चारों साइड, बिल्कुल थोड़ा सा लगाएंगे, और थोड़ा सा ऊपर भी लगा देते हैं हल्का सा। और बस अब मीडियम फ्लेम पर इसको नीचे से ब्राउन होने देते हैं। कुछ तवे पे ये साइड में से निकल के ऊपर उठने लगता है, जो नए तवे होते हैं ना, वो उसमें उठने लग जाता है। जो थोड़ा सा पुराना होता है उसमें थोड़ा चिपका हुआ हो सकता है। हल्का सा चम्मच से डाल के देखेंगे, तो ये देखिए ये निकल रहा है, बिल्कुल आसानी से निकल रहा है, और ऊपर ब्राउन दिखने लगा था, यानी कि डोसा बन चुका होता है। तो
ये देखिए आप, कितना बढ़िया सा कलर और कितना बढ़िया ये बना है। क्या आपको सर लग रहा है ये किनोवा से हमने बनाया है? बहुत ही क्रिस्पी बना है और बहुत ही टेस्टी होता है। जो हम नॉर्मल सादा डोसा जो खाते हैं ना, वैसे ही ऑलमोस्ट इसका टेस्ट होता है। इसे निकाल लेते हैं, मैं आपको इसे तोड़ के बताती हूँ कि कितना क्रिस्पी बना है। ये देखिए कितना अच्छा ये क्रिस्पी बना है। ऐसा क्रिस्पी बनाना है तो आपको बैटर को थोड़ा पतला ही बनाना होगा तवे पे, तब जाके ये इतना क्रिस्पी बनेगा। और अगर आप हल्का सॉफ्ट, हल्का सा कुरकुरा ऐसा चाहिए हो ना, तो फिर जो तवे पे आप जब फैलाएं तो ज़्यादा पतला ना फैलाएं, थोड़ा सा उसको मोटा ही फैलाएं, यानी कि थोड़ा सा उसको थीक रखें। और उसके बाद जब आप दूसरा डोसा बनाएं, तब आपको तवे पे तेल नहीं लगाना है, सिर्फ स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम लगाना है। फिर बाद में क्या होगा, जो हम डोसे पे जो ऊपर तेल लगाते हैं वो ऑलरेडी उस पर लगा रहता है तवे पे, इसलिए हमें नहीं लगाना है। बस आपको पानी छिटकना है, कपड़े से पोंछना है बिल्कुल अच्छे से पानी को, जिससे थोड़ा ठंडा हो जाए तवा। बैटर को डालेंगे, फैलाएंगे, धीमी आंच रखेंगे फैलाते वक्त। और जब अच्छे से हम बैटर को फैला लें, गैस को मीडियम करेंगे, ऊपर से जब ड्राई हो जाए तेल लगाएंगे, और जब ब्राउन हो जाएगा तो बस डोसा तैयार है। आप उसको निकाल के इंजॉय कीजिए, और इसे भी आप सर्व कर लीजिए नारियल की चटनी के साथ, या कुछ नहीं होता जैसे मैंने बनाई है मूंगफली और खोपरे की चटनी, ये बना लीजिए, सांभर बना लीजिए साथ में, जैसा भी आप चाहें। और मैंने जो चटनी बनाई है वो बनाना मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैंने 1/4 कप मूंगफली ली है, ये भुनी हुई मूंगफली है और उसके छिलके मैंने उतार दिए हैं। उसके बाद 1/4 कप मैंने खोपरे का बूरा लिया है, क्योंकि नारियल हमेशा हमारे घर पे होता नहीं है। या तो आप सूखा खोपरा ले लीजिए या फिर खोपरे का बूरा ले लीजिए, और उसमें डाल दीजिए आप हरी मिर्च, जितनी आपको तीखा पसंद हो हिसाब से डालें, स्वाद अनुसार नमक डालें। और इसको अभी हम सूखा ही पीसेंगे। सूखा जब पीस लें इस तरीके से ये बारीक हो जाए, फिर उसके बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच दही डालें, साथ में इसमें नींबू का रस भी डालना है आपको 1 छोटी चम्मच, जो कि मैंने बाद में डाला है। बस ये नींबू का रस मैं अभी डाल रही हूँ, आपको पहले डालना है। और ये तैयार है, अब इसको हम तड़का लगा लेते हैं। तो तड़के के लिए थोड़ा सा तेल लेंगे, हल्का सा हींग डालेंगे, थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, चटकने देंगे, फिर उसमें लाल मिर्च डाल देंगे साबुत, और फिर इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। ये हो गया तड़का तैयार, और इसे डाल दीजिए हमारी चटनी पे। तो बस ये मिक्स हो गई, चटनी तैयार हो गई, और इसे बस आप इंजॉय कीजिए। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनाई है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।